Good morning students. Today I will teach you how to find out highest common factor, that is HCF, and least common multiple LCM of three numbers using short division method. उसके लिए मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है, कौन सा नंबर्स है 20, 30, 40. शॉर्ट डिवीजन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तीनों को साथ में लिखना है, 20, 30, 40 लिखा. उसके बाद में सबसे छोटा नंबर से कौन सा है, 2 अगर जाते तो 2 से डिवाइड करना है, अगर 2 नहीं जाते तो 3 से जाते है क्या वो चेक करना है, या 3 भी नहीं जाते तो 5 से, ऐसा नंबर से डिवाइड करने के लिए कोशिश करना है. इसमें तो तीनों नंबर में 2 जाता है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, 2 से. तो 20 में कितना बार जाएंगे, वेट फॉर वन मिनट, 20 में 2 कितना बार जाएंगे, 10 टाइम्स, तो नीचे 10 लिखना है. 30 में कितना बार जाते हैं, 2, 15 टाइम्स जाते हैं. फिर 40 में कितना बार जाते हैं, 20 टाइम्स. तो इसमें भी हमने देखो, इसमें 10 और 20 में 2 जाते हैं, लेकिन 50 में 2 से डिविजिबल नहीं है, तो तीनों में कॉमन जाने वाला है 3, तो नहीं जाएंगे 20 में. तो फिर दूसरा क्या है, 5 है, तो 5 तो तीनों में डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो हमको नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है, 5 लेना है. 5 तो 10 में कितना बार जाता है, 2 टाइम्स, 15 में 3 टाइम्स, 20 में 4 टाइम्स. अभी देख लो, इसमें आगे इसमें कॉमनली कुछ भी जाने वाला नहीं, कॉमनली तीनों नंबर में 2 और 4 में तो 2 जाता है, लेकिन 3 में तो 2 नहीं जाता है, तो इसके लिए ये तीनों में कॉमन डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर नहीं है. इसके लिए हमको इधर HCF कौन सा आएगा, 2 × 5, ये दो नंबर है, तो क्या आएगा, HCF ऑफ, मैं इधर नीचे लिख रहे हूँ, HCF ऑफ 20, 30 and 40 इज 2 × 5 इक्वल टू 10. ठीक है, क्या आया आंसर, 2 × 5 = 10. इतना तक हमने कर दिया, वो इसमें से हमको क्या मिला, HCF मिला. अभी हमको क्या ढूंढना है, LCM ढूंढना है. LCM ढूंढना है तो हमको आगे क्या करना पड़ेगा, इसको और डिवाइड करना है, जब तक ये 0 नहीं आए तब तक. उसके लिए क्या करना है, इसमें देखो दोनों में तो 2 जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से इधर लेना है, 2 लेना है. 2 कितना बार जाते हैं इसमें, 2 में 1 टाइम, 3 में कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ नीचे उतारना है. 4 में कितना बार जाते हैं, 2 टाइम्स. ठीक है, जब तक नीचे 1 या 0 आने के टाइम तक एक करते रहना है. अभी इसमें फिर से क्या करना है हमको, इसमें 2 जाता है 2 में, तो उसको फिर से डिवाइड करना है 2 से. 1 में तो नहीं जाएंगे, एज इट इज़, 3 एज इट इज़, फिर 2 में एक बार. ठीक है, अभी इसमें और क्या आएंगे, खाली 1 है, 3 है, 1 है, तो इसमें 3 को डिवाइड करने के लिए कौन सा यूज़ करना है, 3, अगेन 3 यूज़ करना है, तो इसमें 1, फिर से 1, फिर से 1, जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आएगा तब तक हमको ऐसा डिवाइड करके जाना है. अभी इसका LCM निकालने के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करना है, ये सबको मल्टीप्लाई करना है, हमको ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, LCM ऑफ 20, 30, 40 इज क्या करना है, 2 × 5 × 2 × 2 × 3, ये पूरा सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 5 = क्या आया, 10 आया. फिर 2 × 2 = 4 आया, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो फिर से मैं अगेन मल्टीप्लाई क्या करें, 10 × 4 = 12, तो क्या आएगा, 10 × 12 = 120, तो LCM क्या आएगा, 120. ये एक ही मेथड से कैसे हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं उसका है. ठीक है, लेकिन HCF निकालने के टाइम क्या करना है, जितना नंबर तीनों नंबर में कौन सा नंबर से डिवाइड होता है उतना तक ही लेना है, आगे वाला LCM के लिए काम आते हैं, आगे वाला नंबर. ठीक है,